हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी सर्कुलर पाथ में अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू रिवॉल्व कर रहा हो तो वो कितने अमाउंट का करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सुनो, आपको ये पता है, उससे पहले मैं एक सर्कुलर पाथ ले लेता हूं और ये एक सर्कुलर पाथ है तो इसकी रेडियस आर मैंने ले लिया, ठीक है। अब सुनो, आपको ये तो पता है ना कि अगर यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, ये कोई आपका पॉइंट चार्ज है। करंट का डेफिनेशन आपको पता है कि अगर इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में यानी पर सेकंड अगर क्यू कूलम का चार्ज पास हो रहा हो तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो क्या करोगे, ठीक है, Q बाई टी। तो ये हो गया आई। तो अगर किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से T टाइम में Q चार्ज पास हो रहा हो देन वैसे केस में आप I ऐसे कैलकुलेट करते हो, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि 1/T में T, इसको आप क्या बोलते बाबू, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ से या फिर इसको न्यू से आप डिनोट करते हो। फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यहां से बॉडी चलती हो फिर ए पे कितने टाइम में पहुंच रही है, ये थोड़ा गलत मैंने बोल दिया, आपको ऐसे बोलना है कि पर यूनिट टाइम में ये कितना चक्कर लगा ले। अगर मान के चलो ये एक मिनट में, ठीक है, इसका 10 चक्कर लगा ले तो इसकी फ्रीक्वेंसी बोलोगे 10 पर मिनट। एक सेकंड में अगर 2 चक्कर लगा ले तो मैं बोलूंगा 2 पर सेकंड, ठीक है, हरी बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, तो यहां से Q बाई टी तो ये हो जाएगा आपका क्यू एफ। चलो इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर यूनिट टाइम। क्या मैंने बोला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। अब सुनो, तो अगर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा ये तय कर लें, तो सुनो क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, इसमें ये जरूर दिया होना चाहिए, जब भी कर पाओगे जब इसकी वेलोसिटी मेंशन हो, है ना। तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी वी है, तो एक चक्कर पूरा लगाने में ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा। देखो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, टाइम इक्वल टू क्या लिखते भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना, टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्टेंस तो हो गया 2πr/v। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं 1/t की बात कर दूं तो ये हो जाएगा 1/v, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और यही है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इतना आपको फालतू में घुमाया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो यहां से हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो ये भी ऊपर चला गया, तो फाइनली क्यू वी अपॉन में 2πr। मतलब कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में क्यू चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और अगर उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर हो, देन जो करेंट फ्लो होगा इस पाथ में कितना हो जाएगा, QV अपॉन में 2πr। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ओके? किसी भी तरीके का डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।